राजस्थान की कुछ विधानसभा सीट ऐसी है जिन पर सभी की नजरें टिकी रहती है। ऐसी ही एक सीट है डीग कुमेर विधानसभा सीट, जो सबसे हॉट सीटों में से जानी जाती है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सुजानगढ़ विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे डीग कुमेर विधानसभा सीट की। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। डीग कुमेर विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट में से जानी जाती है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने डीग कुमेर विधानसभा सीट पर डॉक्टर शैलेश सिंह को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। शैलेश सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे हैं, तो वही कांग्रेस ने दो बार रहे विधायक विश्वेंद्र सिंह को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ पर पिछला वाला मुकाबला ही होगा और देखना होगा कि जीत किसे मिलती है और हार किसके जिम्मे आती है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट पर राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह को जीत मिली थी। बाद में विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और 2018 में उन्होंने डॉक्टर दिगंबर के बेटे डॉक्टर शैलेश सिंह को मात दी और जीत अपने नाम कर ली। वही 2018 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त डीग कुमेर विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ था, जहां कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह को 73,730 वोट मिले थे तो बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह को 65,512 वोट मिले थे। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रताप सिंह के खाते में 20,026 वोट आए थे और कहीं ना कहीं इसी त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से बीजेपी को चुनाव में झटका लगा और इस दौरान बीजेपी 2018 का चुनाव हार गई, जबकि कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह ने 8,218 मतों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया। 2018 के चुनाव में डीग कुमेर विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या करीब 2,36,412 थी, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 1,21,915 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 1,07,888 थी, जिसमें से कुल 1,61,294 वोटर्स ने वोट डाले थे और नोटा के पक्ष में 1,081 वोट पड़े थे। अब बात करते हैं डीग कुमेर सीट के जातिगत समीकरण के बारे में। डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,37,008 मतदाता है। इस सीट पर सबसे निर्णायक मतदाता जाट तथा जाटव जाति के हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की हार जीत तय करते हैं। साथ ही डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र का कस्बाई मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाता है और इसके अतिरिक्त इस विधानसभा क्षेत्र में जाट जाटव के साथ संपूर्ण एसटी एससी माइनॉरिटी का वोट बैंक भी किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें, करीब 2 महीने पहले अगस्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीग को नया जिला बनाने का ऐलान किया, तो वही अगर डीग जिले में आने वाली डीग कुमेर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। 2008 से पहले डीग और कुमेर दोनों अलग अलग सीट होती थी, लेकिन बाद में इसे मिलाकर डीग कुमेर सीट दिया गया। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।